दिल्ली में हवा की खराब हालत को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने दिल्ली से सटे चार राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी से कहा है कि दिल्ली की हवा खराब करने में इन चार राज्यों का 50% दोष है, इसीलिए जल्द से जल्द चारों राज्य सीएनजी लागू करें, नहीं तो इन सभी राज्यों में परिवहन पर रोक लगा दी जाएगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग की गई है कि जयललिता की बीमारी के चलते राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। स्वामी ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि स्वस्थ होने के बाद भी जयललिता को लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई के अपोलो अस्पताल जाकर तमिलनाडु की सीएम जयललिता का हाल चाल जाना। राहुल गांधी करीब एक घंटे तक अस्पताल में रुके रहे। इसके बाद वापस लौटते वक्त उन्होंने कहा कि जयललिता की सेहत में सुधार है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश ने दुर्गा पूजा के जश्न में खलल डाल दिया। भारी बारिश की वजह से कई पंडालों में पानी भर गया। देवी की प्रतिमा को बारिश से बचाने के लिए उसे ढकना पड़ा, जिसकी वजह से कई जगहों पर भक्तों को माता के दर्शन भी नहीं हो सके। रायपुर में किसानों और महिलाओं ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां के बूढ़ा तालाब के पास 3 दर्जन से ज्यादा आदिवासी ग्रामीणों ने परिवार समेत खुद को पेड़ से बांधकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने भूपेश बघेल और उनके चाचा अश्वनी बघेल पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला पंचायत के सीईओ ने पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय पर अपनी विवादित पोस्ट के लिए माफी मांग ली है। आईएएस शिव अनंतायल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि कोई तो मुझे बताए कि आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उपलब्धियां क्या हैं। मुझे ऐसा कोई चुनाव याद नहीं जो उन्होंने जीता हो और ना ही उनकी अपनी कोई विचारधारा रही हो। हालांकि उनके इस विवादित पोस्ट पर कोई बड़ी कार्रवाई होती उससे पहले ही दयाल ने अपनी फेसबुक वॉल से पोस्ट हटा दी। छत्तीसगढ़ के करबदा में गंगापुर गांव के लोग जान हथेली पर लेकर अपने रोज के काम करने के लिए घर से निकले हैं। गांव के पास ही नाला है जिस पर पुल नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। बारिश के मौसम में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, कई बार तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से नाले पर पुल बनवाने की गुहार लगाई गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक पिता ने अपनी नवजात बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रभु राठौड़ और रंजना की शादी साल 2008 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद एक के बाद एक चार बेटियां हुई, जिसके बाद फिर जुड़वा बेटियां हुई, तो प्रभु ने अपनी एक बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मनचलों से निपटने के लिए छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम में 400 से ज्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया।